श्री राम आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना मैथ का चैप्टर तीसरा चल रहा था। अब इसकी तीन पार्ट अपन ने पढ़ चुके थे। अब ये वीडियो का अपना चौथा पार्ट है। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन चल रहे थे 3.1 के, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन को अपन ने समझ लिया था। अब अपन थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद पी एक्स दिया हुआ है 6x² - x - 2। ये आपके पास कोई बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इस बहुपद का आपको शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद इस बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध में सत्यता की जांच करनी है। तो आप सभी को पता है कि किसी भी बहुपद के शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए अपन दिए हुए बहुपद को टुकड़ों में विभाजित करते हैं, अर्थात गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो इस बहुपद का क्या करेंगे, अपन गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए कैसे गुणनखंड करेंगे, जो प्रथम राशि है बहुपद में और जो तृतीय राशि है इसको तो अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसमें हो गए 6x² प्रथम राशि और तृतीय राशि -2, इन दोनों को क्या कर लिया, गुणा तो क्या आ गया -12x². अब इस बहुपद में जो मध्य वाली राशि होती है, कौन सी मध्य वाली राशि होती है, इस मध्य वाली राशि को अपन दो ऐसे राशियों में विभाजित करना है। मध्य वाली राशि मतलब माइनस एक्स को अपन को दो ऐसी राशियों में विभाजित करना है कि उन दोनों को गुणा करने पर क्या आ जाए, -12x² आ जाए, और उन राशि को जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -x आ जाए। तो माइनस एक्स को मैं -4x और +3x इन दो राशियों में विभाजित कर लेता हूँ। तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, -4x में +3x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। अगर इन राशि को गुणा करें तो देखो गुणा 4x गुणा +3x, ठीक है, तो करो x को x से किया तो x² आ गया, 3 को 4 से किया 12 आ गया, और इसमें माइनस है तो ये माइनस आ गया, तो -12x² अपना आ गया। मतलब इस माइनस एक्स को कौन सी राशि में विभाजित कर लेते हैं अपन, -4x + 3x। तो माइनस एक्स की जगह इस बहुपद में क्या लिख देंगे अपन, -4x + 3x। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6x² - 4x + 3x - 2। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब इसको दो जोड़ों में विभाजित कर लेते हैं, एक जोड़ा ये ले लिया एक जोड़ा ये ले लिया। अब इसमें अपन लेंगे कॉमन, कॉमन ले लेते हैं अपन। तो पी एक्स बराबर कॉमन एक ऐसी संख्या लेते हैं जिस पद में से कॉमन ले रहे हैं उस पद में उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो ली गई संख्या अपनी कॉमन है, सही है। तो इस संख्या में से मान लीजिए मैं इस पद में से मान लीजिए मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ। तो 2x का भाग है या 2x से ये संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 6x² में 2x का भाग दे दो, ऐसे ही -4x में 2x का भाग दे दो, क्योंकि इस पद से अपन ने 2x कॉमन लिया है तो इसमें इसका भाग दे दो, ऐसे ही इसमें इसका भाग दे दो, प्लस यहाँ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 कॉमन ले लीजिए। अब जब एक कॉमन लेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे आ जाएगी ये राशि। तो पी एक्स बराबर क्या आएगा, देखो 1x से 1x कट गया, 1x बच गया, 2 से 6 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 2x कोष्टक कितना बचा यहाँ पर 3x, माइनस x से x कट गया, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2x कोष्टक 3x माइनस 2 यहाँ तक हो गया, प्लस 1 3x माइनस 2। ठीक है, ये अपनी अगला पद प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इस पद में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। इस पद में भी 3x माइनस 2 है और इस पद में भी 3x माइनस 2 है, तो इसको क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे मतलब बाहर ले लेंगे। तो 3x माइनस 2 ये बाहर ले लिया, इस पद में से 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया मतलब बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, 2x प्लस यहाँ से 3x माइनस 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये बहुपद का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब शून्यक निकालना, अपन को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्य के लिए क्या हो सके, पी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पी एक्स को 0 रख दीजिए, तो 0
बराबर 3x माइनस 2, ऐसे ही 2x प्लस 1। तो ये दोनों पद कैसे हैं, गुणा में हैं। तो अब इनमें से पहले इस पद को इधर ले आइए या पहले इस पद को इधर ले आइए। मान लीजिए मैं 3 इस पद को देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए पहले इस पद को 0 के इधर ले जाइए या इस पद को इधर ले जाइए, दोनों राशि किस में है, गुणा में है। तो इधर जाएंगी तो ये किस में चली जाएगी राशि, बटे में चली जाएगी। मान लीजिए 3x माइनस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बराबर, अब इधर राशि गुणा में है तो इधर जाके किस में चली जाएगी, बटे में। तो किस में आ जाएगा, 0 के, 3x माइनस 2 बटे में आ जाएगा। जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। 0 में 3x माइनस 2 का भाग देंगे तो 0 मिलेगा। तो क्या बचेगा अपने पास, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 2x 1 को इधर ले जाइए, ये प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x के गुणा में 2 है, 2 को इधर में ले जाएंगे तो गुणा में होने के कारण ये इसके बटे में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर माइनस 1 बटे 2। ये अपना प्रथम शून्यक निकल आया। कौन सा शून्यक निकल आया, प्रथम शून्यक निकल आया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ तो अपन क्या, 3x माइनस 2 को इधर लेके गए थे, अब 3x माइनस 2 को इधर रहने दीजिए, 2x प्लस 1 को 0 के उधर ले जाइए। जब 2x प्लस 1 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, 0 के बटे में चला जाएगा। और क्या बचेगा, 3x माइनस 2 बराबर 0 बटे 2x प्लस 1, ठीक है। जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस 2 को इधर ले जाइए, जब माइनस 2 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 3 को इधर ले जाइए, 3 गुणा में है तो 2 के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 1 बटे 2 और x बराबर 2 बटे 3 इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, जिस पर इस बहुपद px का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। px का मान इन दोनों बहुपद, वो इन दोनों शून्य पर। तो देखो शून्य क्या प्राप्त हो गए हमें, एक शून्य हमें मिला है माइनस 1 बटे 2 और दूसरे शून्य मिला है 2 बटे 3। इन पर px का मान कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। अब देखो इन शून्य का योग करते हैं अपन, अब आती है सत्यता की जांच। तो शून्य का योग करते हैं अपन, शून्य को का योग करो, माइनस 1 बटे 2 प्लस 2 बटे 3, माइनस 1 बटे 2 में प्लस 2 बटे 3 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, इनका एलसीएम ले लीजिए, इन नीचे वाले दोनों राशियों को गुणा कीजिए, 6 आ गया, 6 गुणा करने पर जो राशि आ गई वो उसका आ गया एलसीएम। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, 2 का भाग 2 किस में, 6 में, कितने बढ़ जाएगा, 3 बार। अब जितने बढ़ जा रहा है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 2 का भाग दिया 6 में, कितने बढ़ गया, 3 बार। तो 3 को किस से गुणा कर देंगे, माइनस 1 से, तो कितना जाएगा, माइनस 3, प्लस 3 का भाग 6 में, 2 बढ़ जाएगा, और 2 को किस से गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। अब माइनस 3 प्लस 4 करेंगे, मतलब 4 में से 3 गए तो 1, और बटे में क्या है, 6। तो शून्य का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो गुणांक के आधार पर शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जहां बी क्या होता है, x का गुणांक, बहुपद में x का गुणांक b होता है। तो बहुपद में x का गुणांक क्या है, 1 है, ये तो भाई सूत्र का माइनस, और ये बहुपद में x का गुणांक का माइनस 1 अपॉन a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 6। तो ये आ जाएगा, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बटे में क्या है, 6। तो 1 बटे 6, 1 बटे 6। अब देखो अब उस शून्य का अपन क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो निकालो गुणनफल क्या है शून्य, एक तो 1 बटे 2 है और एक है 2 बटे 3। जब माइनस 1 को माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब देखो दोबारा से शून्य का गुणनफल निकालते हैं, किसके आधार पर, गुणांक के आधार पर। गुणांक से शून्य का गुणनफल निकालने का सूत्र होता है सी अपॉन ए, जहाँ सी होती है अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर, माइनस का 2, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6। गुणांक क्या होता है, जिस राशि के गुणन में जो
राशि होती है। एक्स स्क्वायर गुणन में कौन सी राशि है? छः। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? छः, मतलब ए की वैल्यू छः। तो देखो यहाँ शून्य का योग निकालें तो 1/6 आता है, गुणांक के आधार पर योग निकालें तो 1/6 आता है, शून्य का गुणनफल निकालें तो -2/6 आता है, शून्य का गुणनफल निकालें गुणांक के आधार पर तो -2/6 आता है। अतः बहुपद पी एक्स बराबर 6x² - x - 2 में शून्य व गुणांकों के मध्य संबंध कैसे हैं? सत्य हैं। तो शून्य व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच अपन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया? तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अपन चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें भी क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं और फिर उन शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अगला दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन पी अगला फोर्थ मान लीजिए अपने पास कोई बहुपद दिया है पी एक्स बराबर x² - 15। ठीक है, इस बहुपद का अपन को क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसके गुणांक में 1 है और ये 15 जो है वो कौन सी है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। इसमें x का गुणांक नहीं दिया है। तो इस बहुपद का देखो गुणनखंड कैसे करेंगे अपन। इस पी एक्स बहुपद को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं x² - √15² कैसे? पी एक्स बहुपद को कैसे लिख सकते हैं? x² - √15² अंडर रूट पंद्रह का स्क्वायर जो है इसको अगर अपन खोलें तो कैसे खोलेंगे? √15 × √15² का मतलब इसके अंदर जो राशि है उसको दो बार गुणा करते हैं। क्या करते हैं? दो बार गुणा करते हैं। और अंडर रूट पंद्रह का मतलब होता है 15^(1/2) गुणा 15^(1/2)। अंडर रूट का मतलब यहाँ क्या है? 15^(1/2) × 15^(1/2। ठीक है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब घातों के आधार समान हो। क्या? जब घातों के आधार समान हो तो घातें जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है। मान लीजिए ये 1/2 × 1/2। ठीक है, गुणन में क्या होता है, जब इन घातों के आधार समान है, मान लीजिए इस 1/2 घात का आधार कितना है? a, इसका भी आधार कितना है? a है, और ये दोनों राशि कैसी हैं? गुणन में हैं। जब गुणन में घातों के आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? 1^(1/2) + 1/2। जब 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1^1, मतलब a। तो इसी प्रकार से यहाँ 15 मतलब घात की जो आधार है वो क्या है? बराबर है। तो a की जगह क्या मान लेते हैं? 15, और घात क्या है? 1/2 + 1/2। तो क्या जाएगा? 15 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 1, मतलब 15। तो √15² का मतलब भी क्या होता है? 15 होता है। तो इस 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? √15² तो इस बहुपद को px = x² - √15² इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a² - b² वाला, तो क्या होता है? a - b और a + b, ये क्या है? एक सूत्र है, पढ़ा होगा आप सभी ने। तो देखो इस सूत्र को यहाँ रख लीजिए, तो px बराबर क्या हो जाएगा? a² - b² का सूत्र क्या होता है? a - b (a+b). ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा। इसमें जो a है उसको x मान लीजिए और b जो है उसको √15 मान लीजिए। तो कर दीजिए इसको, a की जगह x रख दिया -b की जगह √15। इसी प्रकार से a की जगह x + √15।
ठीक है। तो इस बहुपद का गुणनखंड इस प्रकार से अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पी एक्स बहुपद अपने पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब ये जो 15 है उस 15 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसको खोलते हैं तो क्या मानता है, क्या मिलता है, ए माइनस बी कोष्टक बंद कोष्टक शुरू ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूले में इसको फिट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट 15 और x प्लस अंडर रूट 15। अब अपन इस बहुपद के क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। शून्य के लिए क्या होता है, पी एक्स जो हो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो देखो पी एक्स बराबर जीरो रख दीजिए तो क्या आएगा, जीरो बराबर एक्स माइनस अंडर रूट 15 और एक्स प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अंडर रूट 15 और x प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। दोनों पद कैसे हैं, गुणन में हैं। जब एक पद को इधर ले जाएंगे तो 0 के किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो x माइनस अंडर रूट 15 इसको इधर ले जाइए तो 0 के किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए तो x प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 बटे x माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। जब किसी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो 0 प्राप्त होता है। तो x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 आ जाएगा। अब माइनस अंडर रूट 15 को इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर अंडर रूट 15। ऐसे ही x प्लस रूट 15 बराबर 0 प्लस 15 रूट को इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो दूसरा शून्य का हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस अंडर रूट 15। कितना मिल जाएगा, x बराबर माइनस अंडर रूट 15। तो इन दोनों शून्यकों के लिए बहुपद पी एक्स का जो मान होगा वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब अपन इन बहुपद में इस बहुपद में शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। जांच सभी जानते हैं आप कैसे करते हैं, शून्य क्या प्राप्त हो रहे हैं हमें, एक शून्यक मिल रहा है हमें क्या, अंडर रूट 15 और एक शून्य के माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शून्य का योग निकालते हैं, शून्य का योग बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15 में माइनस के अंडर रूट 15 जोड़ेंगे, मतलब अंडर रूट 15 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट 15। तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 गया तो 0। अब शून्यक के आधार पर सॉरी गुणांकों के आधार पर शून्यक का योग निकालो, किसके आधार पर, गुणांक के आधार पर शून्यक का योग। उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। बहुपद में देखो एक्स का गुणांक कोई है नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू 0। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं शून्य का गुणनफल क्या निकालेंगे, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, देखो ये शून्य दिया हुआ है अंडर रूट 15, दूसरा शून्य क्या है माइनस अंडर रूट 15। तो देखो माइनस को एक माइनस इसका आ जाएगा और अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मैंने आपको बताया था अभी। शून्य का गुणनफल निकालो अब किसके आधार पर, गुणांकों के आधार पर क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए, जहाँ सी क्या होता है, अचर पद होता है। अचर पद कितना हमारे पास, माइनस के 15 और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो 15 में माइनस 15 में 1 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस के 15। तो शून्यकों का योग गुणांकों के आधार पर शून्य का योग पर 0 प्राप्त हो रहा है, शून्यकों का गुणनफल माइनस 15 और गुणांकों के आधार पर भी शून्य का गुणनफल माइनस 15 प्राप्त हो रहा है। अतः बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 15 में शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है, सत्य
है, कैसा है, सत्य है। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। ये अपने पास कोई बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के टुकड़े करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये जो 15 है इस 15 को अपन कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर का मान भी कितना होता है, 15 ही होता है। तो इन दोनों पदों में कोई फर्क नहीं है। तो पी, अब देखो क्या प्राप्त होगा, पी एक जब इस 15 को अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। यहां से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए यहाँ एक्स हो गया, बी क्या हो गया, अंडर रूट 15। तो इस फॉर्मूले में रख दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस अंडर रूट 15, ऐसे ही एक्स प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, ये इस बहुपद का क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब शून्य ज्ञात करना है, शून्य के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्स जो है किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस बहुपद में पी एक्स बराबर जीरो रखा तो क्या प्राप्त हो गया, एक्स माइनस अंडर रूट 15 और एक्स प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, अब देखो, अब x प्लस अंडर रूट 15 को उधर ले जाएंगे तो इसके 0 के बटे में चला जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 बटे x प्लस अंडर रूट 15। तो 0 में किसी संख्या का भाग दें तो 0 प्राप्त होता है, x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो x बराबर रूट 15। इसी प्रकार से x बराबर माइनस अंडर रूट 15, ये दोनों क्या प्राप्त हो गए, शून्य प्राप्त हो गए, इनके लिए भी x का मान कितना है, 0 है। और जाँच अपन इस प्रकार से करते ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।